Hey guys, welcome back to another new video. Guys, इस वीडियो में हम इस वाले हेडफोन का डब्बा खोल करेंगे. ये जो है एंटी स्पोर्ट का H520W हेडसेट है. तो इसको जो है आज हम अनबॉक्स करेंगे और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये लेना सही रहेगा नहीं रहेगा. पिछले दो तीन दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने दो गेम इसमें खेला हुआ है, एक पबजी और दूसरा जो है फ्री फायर. तो दोनों में ही जो है एनिमी का जो फुट स्टेप होते हैं वो मेरे को पता चल गया है, सही ढंग से जो है पता चला है. हो सकता है ये अच्छा नहीं है, मतलब ये जो है इसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा ना हो, लेकिन जो है गाइज इसका साउंड क्वालिटी गेमिंग में अच्छा मेरे को लगा ऐसा, क्योंकि ये पर्टिकुलर गेमिंग के लिए ही बनाया गया है. तो ये जो हेडसेट है ये गेमिंग का ही है, गेम इसमें आपको खेलना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गाना वगैरह मूवी वगैरह नहीं देख सकते, गाना वगैरह नहीं सुन सकते, आप वो भी कर सकते हो गाइस. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट जंप टू द वीडियो एंड लेट्स अनबॉक्स इट. और एक बात बता दूं गाइस, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल भी प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गाइस. तो लेट गेट स्टार्टेड. तो भैया जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है. यहाँ आप देख सकते हो एंटी स्पोर्ट का ब्रांडिंग है और ये इसका मॉडल नंबर है H520W. और ये जो है यहाँ देख सकते हो वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स, तो इसका भी लोगो यहाँ पे है. वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का लोगो चारों ओर है, तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉरशिप का कुछ ना कुछ तो इसमें दिया गया है. नीचे देख लेते हैं क्या क्या है. देख सकते हो आप 3.5 mm का एक ऑडियो जैक और यहाँ लिखा है डी बेस. तो बेस बहुत अच्छा या इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा बेस ये निकाल के देता है. और जो है सॉफ्ट एयर कुशंस जो है यहाँ पे देख सकते हो, एयरपॉड्स जो है बहुत ही सॉफ्ट है. और 50 mm ड्राइवर्स, जो ड्राइवर इसमें यूज़ किया गया है वो 50 mm ड्राइवर्स है. और HD ऑडियो आपको दे देता है. और सस्पेंशन एयर बैंड्स, तो जो इसमें जो एयरबैंड्स लगे हैं ये शायद फ्लेक्सिबल हो. और क्या और गाइस, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ये जो है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का जो है एक फ्री कूपन आपको मिल जाता है इन साइड में. तो हम देखेंगे, खोल के देखेंगे इस, सीधा हम देरी ना करते हुए खोलते हैं. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं हमको. ये जो है इसका वारंटी कार्ड है, 1 ईयर ऑफ वारंटी है गाइस. आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी, तो ये 1 ईयर का वारंटी के साथ आता है. और गाइस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक कूपन, जो कि 1000 का एक कूपन मिल जाते हैं वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का. अगर आप खेलते हो ऑनलाइन जो गेम होता है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप, तो वह अगर आप खेलते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, रिडीम करके आप खेल सकते हो. और ये एक वेलकम लेटर है गाइस, एंटी स्पोर्ट का ये वेलकम लेटर है. तो छोड़िए इन सब को छोड़िए, अब सीधा हम अपने चीज़ को निकालते हैं. देखो गाइस, ये जो है मैंने ब्लैक मंगाया था, तो ब्लैक तो अभी खोलने पर ही पता चला मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है. यहाँ पे शाइनिंग मार रहा है, ये देख सकते हो ये सिंपल प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसका कुशन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. इसका कुशन जो है, जो एयरपोर्ट्स जो है ऊपर जो देख सकते हो कितना सॉफ्ट है गाइस. तो इसका मतलब अगर आप यूज़ करते हो ज़्यादा समय तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और ये इसका जो स्पीकर है, स्पीकर देख सकते हो ये फिक्स है, ये फिक्स स्पीकर है. स्पीकर जो इसका दिया गया है वो फिक्स्ड है. ये है इसका स्पीकर, यहाँ से जो है साउंड वगैरह जाएगा गाइस. और यहाँ पे दिया गया है, देखो साउंड कंट्रोल करने के लिए एक स्लाइडर दिया गया है यहाँ पर, इससे आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हो. और जो इसका जो है स्पीकर है वो 40 mm का स्पीकर है. और गाइस वायर काफ़ी ज़्यादा मोटा है और बहुत अच्छा क्वालिटी का मेरे को लग रहा है. और जो जैक है ना वो 3.5 mm का जैक, वहाँ पे जो है गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये. लेकिन ये जो है प्लास्टिक उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं लग रहा है. और जो है ये जो बैंड है ये फ्लेक्सिबल है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था, तो ये फ्लेक्सिबल है. आप जिस तरह से भी सेट करना चाहो, आपके जो हेड पे आराम से सेट कर सकते हो गाइस. और यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का भी लोगो यहाँ पे भी है, यहाँ पे ब्रांडिंग एंटी स्पोर्ट्स का, और यहाँ पे लोगो जो है
वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का, और इस साइड में वही सेम है गाइस, दोनों साइड में सेम है। तो मतलब इसका कनेक्शन जो है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप गेम के साथ ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कूपन भी हमको मिल रहा है 1000 का। तो आप जो है अगर चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो चारों ओर आप ठीक से देख लो एक बार, ये रहा गाइस हमारा हेडफोन, जो ये बैंड है ना गाइस, ये ऊपर जो है प्लास्टिक लग रहा है, ऊपर प्लास्टिक और अंदर शायद मेटल होगा, हार्ड है अंदर लेकिन ऊपर बहुत सॉफ्ट है। वायर भी गाइस इसका बहुत ही लंबा है, तो अगर आप इनकेस अगर आप बहुत ज़्यादा दूर बैठते हो अपने पीसी से तो इसको जो है आप दूर भी लगा सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है वायर, बहुत ज़्यादा नहीं है पर अच्छा है। और ये स्प्लिटर आपको मिल जाता है इसके साथ जो है, देख सकते हो, जो अगर आप पीसी पे कनेक्ट करते हो ना तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये जो है एक जो है आपका साउंड सुनने के लिए और दूसरा जो है रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसको आप सीधा 3.5 जैक को यहाँ पे लगा सकते हो, 3.5 जैक को यहाँ पे लगा के इसको पीसी में यूज़ कर सकते हो या फिर मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये हमें इसके साथ मिल गया है तो बहुत ही अच्छा है, हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसको सीधा लैपटॉप पे लगाओगे तो चलेगा, लेकिन इसको सीधा मोबाइल पे लगाओगे तो नहीं चलेगा, आई थिंक स्पीकर जो है वर्क नहीं करेगा। तो इसको जो है इस तरह से यहाँ पे लगाना है, इस तरह से यहाँ पे आप लगा सकते हो, और लगाने के बाद जो है इसको आप मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हो गाइस। गाना वगैरह और ये यूट्यूब सॉन्ग वगैरह आप सुन सकते हो आराम से, और ये जो है रिकॉर्डिंग के टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट गाइस। तो अभी जो है चलिए हम लगा के थोड़ा बहुत देखते हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और 2-3 गेम जैसे कि फ्री फायर हो गया और पबजी हो गया, तो इसको मैंने खेला हुआ है और आराम से गाइस, मतलब मेरे को पता चला है, कई कई बंदों ने बताए हैं कि उनको जो है पता नहीं चला, फुट स्टेप होते हैं उसका साउंड जो है इनको नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को तो पता चल ही गया है, मतलब मेरे को पता लग रहा है और आपको भी पता लगेगा, शायद आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो गाइस अगर ख़रीदना है आपको ना तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन पे मिल रहा है अभी, ये जो मेरे को मिला है 7999 पे, तो आपको भी वही 799 अभी, आज ही मैंने देखा कि 799 अभी भी है, तो आप आराम से इसको 799 में ख़रीद सकते हो अभी भी। इसी से रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस अभी जो है आपको सुनाई दे रहा है, जो साउंड आप सुन रहे हो ना तो इसी वाले हेडसेट से आप सुन रहे हो गाइस। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका जो है साउंड कैसा आ रहा है, और गाइस अच्छा है कि नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो इसको तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली, मतलब 800 रुपये में आप इसको डेफिनेटली ख़रीदो, क्योंकि 800 रुपये में गेमिंग हेडसेट बहुत ही मतलब कम मिलता है। और जो है लेकिन गाइस एक बात आपको बता दूँ कि इसमें जो है कोई RGB वगैरह कुछ नहीं है, ये प्लान है। तो प्लान है फिर भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि गेमिंग के लिए जो है जो एनिमीज़ का जो बुलेट का साउंड या फिर एनिमी का फुटरेस्ट होता है, ये सारा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग के लिए लेना चाहते हो एक हेडसेट, तो 2000 रुपये कम से कम पड़ता है गाइस, लेकिन ये जो है 800 रुपये में मिल रहा है, कभी कभी 1000 से भी ऊपर मिलता है। तो अभी जो है मैंने देखा कि 799 पे मिल रहा है ये, और मैंने भी इसको जो है 799 से ही लिया हुआ है। तो आप डेफिनेटली ख़रीदो इसको, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, तो हमारे चैनल को जो है थोड़ा बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लेना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो गाइस। इसको अगर आप इस तरीके से लगाओगे ना तो ये जो बैंड है ये फ्लेक्सिबल है गाइस, तो इसको जो है आप कहीं भी कैसे भी करके आप इसको लगा सकते हो, या कहीं भी करके आप इसको रख सकते हो गाइस। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगा, आप गेमिंग में इसको पूरा दिन भर यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस यार मैंने जब इससे गाना सुनाना तो ज़्यादा देर आप इसको रख नहीं सकते, क्योंकि ये एरिया जो कुशंस होते हैं ना तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होते हैं गाइस, मेरे को ऐसा लगा पर्टिकुलरली। अगर आप गेमिंग के ले रहे हो, गेमिंग के लिए अगर आप ले रहे हो तो इसको डेफिनेटली खरीदो गाइस, क्योंकि
बजट अगर आपका कम है तो डेफिनेटली खरीदो, और अगर आपका बजट ज्यादा है तो बात नहीं है, आप कोई और खरीद लो गाइस। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।